हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री को लैब में किस तरह से जो है हम प्रूव करेंगे। तो आप ये देखिए, एक ट्रायंगल है जिसके तीन एंगल हैं ए, बी और सी, और हमें प्रूव करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए, हमने जो है इसके जो है तीन ट्रायंगल इसी के जैसे बनाएंगे, और इसमें जैसे है एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों आ जाएंगे। तो इस तरह के तीन कॉपी हमने तैयार करी, और उन तीन कॉपियों को कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में मैं आपको अभी समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट पे बना हुआ एंगल जो होता है उसको सम जो होता है, एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। अब ये एक दूसरी लाइन है, इसके कोई लाइन जो है आपका रे अगर इसको इंटरसेक्ट करती है तो इस तरह से जो लीनियर पेयर बनता है उसका सम भी 180 होता है। अगर एक से ज़्यादा रे की लाइन को मिले तो उनसे जो एंगल तीन बने या चार बने या पांच बने, जितने भी एंगल बने उनका सम भी 180 होता है। तो यहाँ हम देखिए, जो पहले हमने ट्रायंगल की तीन जो है कॉपी तैयार करी थी उनको जो है हम इस तरह से सेट करेंगे कि पहले ये ली और दूसरा जो है ट्रायंगल उसको इस तरह से जोड़ दिया और उसके पास में रख दिया, और तीसरे वाले को जो है इन दोनों के बीच में गैप में फिल कर दिया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी जो है एक ही पॉइंट पर यहाँ मिल गए, और ये जो है नीचे एक स्ट्रेट लाइन बन गई। तो इससे अभी जो हमने मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि एक लाइन के ऊपर अगर दो रे जो है इंटरसेक्ट करती हैं तो उन तीनों का सम जो होगा, तीनों एंगलों का सम 180 होगा, यानी कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का सम जो है वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया और आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल द मैथ्स गुरु को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें और नए नए अच्छे वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।